नहीं यही गलती आपके रोहित शर्मा ने करी उस दिन जब एल क्लासिको इनका मैच था, अब एक्स्ट्रा कर गए भाई जो आप बेसिक क्रिकेट यार ये पैनिक वही खेलो ये पैनिक होता है महेंद्र सिंह धोनी पैनिक कर रहे हो कि आप पैनिक कर गए भाई आज आज ये आज मैं कहूंगा कि धोनी ने भी तो एक्स्ट्रा कर दिया ना आज कुछ धोनी को भी तस्वीर चलाइए जो चीज हुई है क्या मेरे को समझ नहीं आया कि अंपायर्स ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई आप तब तक ओवर करवाइए जब तक सस्पेंशन नहीं हटता है मतलब सस्पेंशन मतलब जितना भी टाइम उन्हें सर्व करना है अगर वो 8 मिनट था तो 8 मिनट सर्व करना चाहिए था भाई उस तरीके से तब तक अगर आपने गेम रोक लिया है ये सारी की सारी चीजें पता नहीं मुझे अगर लोग ये जस्टिफाई कर ये कहें कि भाई वो फिर आपका पेनल्टी वाली फील्डर पेनल्टी वाली बात लग जाती तो भाई आप कम से कम मोरल ऑफ द गेम के तहत तो चलिए कम से कम स्पिरिट ऑफ द गेम स्पिरिट ऑफ द गेम तो कम से कम आपको मेंटेन रखना चाहिए ये क्या रूल है ये क्या रूल है ये रूल है क्या कि अगर आपका टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा तो 4 मिनट बात करने लगे ये रूल है बात थोड़ी है और उसमें क्या है सुमंत भाई कि कप्तान को ही भुगतना पड़ेगा जब आपको चार जैसे होता ना टाइमर में नहीं कर पाए तो वो आप ही मतलब आपको भुगतान करना पड़ेगा कि एक खिलाड़ी वहां पर काम हो रहा है लेकिन गलती है यार एक सिंपल सा रूल है चाहे वो मैच रेफरी ने कन्वे किया हो चाहे वो फोर्थ अंपायर ने कन्वे करा हो चाहे वो जो ऑन फील्ड अंपायर से उन्होंने कन्वे किया हो जी। आपको जब सीधे तौर पर ये बात पता है कि भाई ये फैसला जो है वो ले लिया गया है हाँ। और महेंद्र सिंह धोनी कोई नए नए कप्तान तो बने नहीं है उनको ये सारे मैनेजर से रोक दे मतलब यही तस्वीर रहने मुझे मतलब भैया मैं कह रहा हूं अगर 10 मिनट बचे रहते हो तो आप 10 मिनट यूं बैठ जाते आलती पलती मार के नहीं तो अंपायर क्या कर रहे थे वहां पर कई बार देखा कि खिलाड़ी जब इतना बड़ा होता तो अंपायर वहां पर जो नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए विराट कोहली होते आप उस पोजीशन में खड़े होने लायक नहीं फिर अंपायर अगर बेनिफिट ऑफ डाउट महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे दे रहा है तो बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना यही विराट कोहली होते खेल मतलब लखनऊ की टीम होती गौतम गंभीर होते अब जैसे उस दिन महेंद्र सिंह धोनी अंदर भी आ गए थे ग्राउंड के 2019 आरआर वर्सेस जो अलाउ थोड़ी है वो चीज भैया अगर वो आप आ गए तो आ गए वो आपने सीमाएं तोड़ी वो अलाउ क्योंकि आप बहुत बड़ा ब्लंडर था ब्लंडर जो कि उसको आप कह सकते हो भैया ये वो तस्वीरें हैं कि मोर लाइक कि उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली ये वही वाले विजुअल्स हैं या आप कह सकते हो कि इस वाले इंसिडेंट को तो आप दबाने की कोशिश करते हो तो आप किसी फैसले के खिलाफ इस तरीके से मैदान के अंदर चले गए हो लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी का पूरी तरीके से सम्मान है तो जहां पर वो गलत थे या जहां पर कम से कम भाई आप कम से कम उनसे ये तो उम्मीद करते हो कि वो खेल को खेल की भावना से एग्जैक्टली इतना तो कर दे वो उसके अलावा बाकी सारी की सारी चीजें तो जिंदाबाद है और वो गेम चेंजिंग था वहां पर अगर आपको पता है वहां पर महेंद्र सिंह धोनी को मेरे ख्याल से सबके ओवर खत्म हो चुके थे या तो आप तुषार देशपांडे के पास जा सकते थे जो आई थिंक अपना पिछला ओवर कंप्लीट कर चुके थे और या फिर आप मोइन अली पर जाते या फिर आप मतलब वहाँ क्या होता वो हो चुके थे उस डिसीजन से क्या होता कि आपका एक ओवर फंसता वहाँ पर हाँ एक ओवर फंसता एक ओवर हल्का मिलता सामने बिल्कुल सामने वाली टीम को एक ओवर कैपिटलाइज करने के लिए हल्का फुल विंडो ले ले इस वजह से आपने उन सारी की सारी चीजों को होते हुए उस तरीके से देखा है वो जैसे पांडे सर ने भी कहा अंपायर को स्टेप अप वहाँ पर गेम में राहुल वहाँ पर यही चीजें निकल कर आई थी कि जैसे कह रहे कि वो रूल्स के अंदर ही चीजें थी उसमें लेकिन फिर भी आप धोनी से उस तरह की रूल्स के अंदर आपने बताया तो रूल्स तो ये हैं कि अगर वो खुद ही धोनी उसका भुगतान करेंगे इन एसेंस कि अगर भाई वही गलत हो गया आप एक फिल्डर का वही तो हुआ लास्ट में एक फिल्डर अंदर बुलाना पड़ा उनको एग्जैक्टली लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि क्या मॉरली ये चीज सही है अब आप ये सोचिए लास्ट ओवर 6 रन चाहिए जैसे यही इंडियन टीम थी ना इन्होंने ईएन बेल को वापस बुला लिया था याद है आपको वो रनआउट तो था ही था रनआउट था लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को लगा कि ये मॉरल ऑफ द गेम के तहत सही नहीं है बिल्कुल तो अगर कायदे से चलोगे वो रनआउट था ऐसे तो मैन कैड हमेशा लीगल अगर वो आप उसको आउट करते थे तो वो इसीलिए बोला जाता था अश्विन ने सही करा फिर वो जब वो रूल बना दिए गए इसका ये मतलब नहीं होता इट्स अबाउट कि यार जितने बड़े फिगर एमएस धोनी है वो वन ऑफ द बेस्ट मतलब आप कह सकते हैं सबसे बड़े मतलब इंडोर एम्बेसडर है एम्बेसडर है यार गेम के क्रिकेट के सबसे बड़े आईपीएल के सबसे बड़े एम्बेसडर फिर वही चीज है ना यही चीज आपको दर्शाती है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट मैच था हाँ। कि आप हल्का सा रिस्क लेना नहीं चाहते थे आप हल्का सा मौका जीटी को देना नहीं चाहते थे कि जीटी वहां से किसी भी तरीके से वापसी करे बिल्कुल बिल्कुल और धोनी के साथ आपने ये वाला इसके बाद ऐसी चीजें कह रहा हूँ की जीटी को आप वापसी नहीं करने देना चाहते थे लेकिन उसके लिए आप अपने आप अपनी लकीर कहाँ ड्रॉ करोगे देखो आप कोई एम ही कप्तान नहीं हो आपका नाम महेंद्र सिंह धोनी है कोई आते जाते कप्तान नहीं हो आपको लेकर
चीजें जो है वो उस तरीके से देखी जाती है, धोनी है इसलिए मामला दब भी गया, ये चाहे फिर आपके विराट होते कोई बात नहीं करेगा, या लखनऊ की टीम होती बाकी कोई भी टीम होती कोई बात नहीं करेगा, हल्ला मच चुका होता कोई बात नहीं, आपको पॉजिटिव गिनवाने लग जाएगी पर बात होती, अभी तो दुनिया भर के लोग नियम बताने आ गए ना, बताने लग गए ना, ये नियम बताते रहेंगे अभी कोई दूसरे नियम तो हमें भी पता है भाई, मैं तो कह रहा हूं लेकिन बात करने में गुजार दिया वहाँ पर, उसको कॉस्ट भी दिखाया ना, एक फील्डर अंदर बुलाना बिल्कुल कॉस्ट किया, बिल्कुल कॉस्ट किया, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कॉस्ट किया ना उन्होंने, बिल्कुल अगर रन चाहिए होते लास्ट में, एक फील्डर अंदर था, एक बाउंड्री चली जाती मैच हार जाते ना, मैं कह रहा हूँ ये बताइए पर क्या कप्तान ऐसे बीच में मैच रुकवाएगा, मतलब टाइम आउट होता है, चलो एक बार पढ़ ले तो वो वही कह रहे हैं कि उसके भाई कह रहे हैं सीएसके वाज आस्किंग कि वो 8 मिनट के अंदर आया, अंपायर वाज चेकिंग द एग्जैक्ट टाइम, सीएसके वाज राइट एंड देन पतिराना कंटिन्यू टू, तो 4 मिनट तक वो मिनट चेक कर रहे थे, टाइम ही चेक होता रहा क्या, मतलब ये अरे मैं सारे नियम मानता हूं, मैं सारे नियम मानता हूं, जिनको नुकसान हो गया फील्डर आ गया, लेकिन क्या गेम कोई कप्तान गेम रुकवा देगा, टाइम आउट है, टाइम आउट में 2.5 मिनट के लिए रुकता है क्या, बीच में इतने मिनट के लिए रुक जाता है, कोई चोटू लगे अलग बात है, आप बात करने के लिए 4 मिनट लगेगा वहां पर क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पता नहीं, चलो जो भी है, लेकिन वही है कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े कप्तान है भाई, ये चीज एक्सेप्ट आप जब आप उसको आइडलाइज करते हो, कप्तान है उसके, वो बात बिल्कुल सही है कि भाई उनकी उसको बड़े कप्तान है उसकी सब इज्जत करते हैं, लेकिन जब आप किसी को आइडलाइज करते हो चलो वेल विद इन द रूल्स है, लेकिन मैं धोनी से ये चीजें एसोसिएट नहीं करता, सबके साथ देखा कि आपने शायद कल परसों के मैच में भी आपने देखा था वहाँ 4 फील्डर्स वाले, अब देख तो अगर आप निर्धारित टाइम में बॉलिंग नहीं कर पाओगे तो भाई आपको इसमें आप दोनों तरीके से डेलिबरेटली करना वो सारी चीजें इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हो, क्या हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी आप इस चीज की भी तारीफ कर सकते हो कि भाई उन्होंने अपने गेंदबाजों को सही समय पर रोटेट करवाया कि उन पर ये पेनल्टी पड़े ही ना, लेकिन जब उन्हें लगा कि भाई मैं ऐसी चीज एक अफोर्ड कर सकता हूँ जहां मेरा स्टार बोलर यहाँ पर मेरा मैं वही है सामने सबसे मेन ओवर कर दे और भाई आप वो पेनल्टी अफोर्ड कर पाऊंगा, पेनल्टी अफोर्ड कर पाऊंगा तो लुगेंडेड हो जाएगी, बस ये कि उन्होंने शायद ये डेलिबरेटली किया, ही क्या होता है कि कई बार गेंदबाजी होता है सामने वाला बॉलर दो एक्स्ट्रा डाल चुका है, दो नो बॉल डाल चुका है फास्ट बॉलर, 3 वाइड डाल चुका है तो ओवर बढ़ गया, ओवर बढ़ गया तो टाइम कॉस्ट कर गया, वो डेलिबरेटली नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर ऐसी लगी चीज है कि ये डेलिबरेटली हुआ है बिल्कुल, कि भाई कहीं ना कहीं अब वो ठीक है वो उनकी प्लानिंग का हिस्सा है, अब वो ये कि जीत के लिए आप कुछ भी करते हो, आप जब आपको लग रहा है कि भाई ठीक है आपका बेस्ट वेपन आपको इस कीमत पर मिल जाएगा, भाई ये चीज मुझे इतना कॉस्ट करेगी तो मैंने उसको उस कीमत को चुका दिया, मुझे पता था कि लास्ट में एक फील्डर अंदर बुला लूंगा लेकिन अगर मेरा ये बॉलर बॉल करेगा ना तो मुझे जरूरत ही नहीं, उस तक मेरे का असर ही नहीं पड़ेगा, और इसमें साफ सीधी बात ये है ना, क्या ये महेंद्र सिंह धोनी ने डेलिबरेटली किया, मैं एमएस धोनी से ये सब चीजें एसोसिएट नहीं करता हूं, मैं हम यहां किसी भी वे में नहीं कर रहे, कोई चीज टैक्टिक्स है, इट इज वेल विद इन रूल, इट इज विद इन द रूल्स, लेकिन मैं धोनी से एसोसिएट नहीं करता जी, मैं भी नहीं करता, डबल विंडो कर दे, मैं वही कह रहा हूं, ये हमारा ओपिनियन है, मेरा है पर्सनली किसी का कुछ और, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महेंद्र सिंह धोनी से आप ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे मैंने इसीलिए मैंने ईएन बेल का भी एग्जांपल दिया कि वहां पर भी वो धोनी बिल्कुल पूरी तरीके से सही थे, इंडियन टीम सही थी, लेकिन उन्होंने लगा कि भाई हमने सही नहीं किया है, या एक बार वो याद है आपको वीरेंद्र सहवाग का 100 पुराने उन्होंने डाल दी है ना, डाउन द लेग साइड डाल दी, तो क्या है उसने गेम के हिसाब से तो सब सही करा, तो कर सकता है, लेकिन उसको उसको कितना गरियाया गया था उसको आपको पता है क्यों गरियाया गया था, इसीलिए भाई कि आपने क्या किया है, आपने ओछी हरकत की है, आपने सही हरकत नहीं की, लेकिन तो बात यहां पर उस चीज की नहीं है, बस इतना है कि अगर एमएस ने ये डेलिबरेटली किया है तो इट डजंट गो विद हिज इमेज, ऐसे महेंद्र सिंह धोनी नहीं, कुछ भाई लोग लिख रहे हैं जब मोहित शर्मा ने एमएस धोनी को आउट किया तो वहां पर जो क्राउड था वो मोहित शर्मा को एब्यूज करने लग गया, वो तो उनका मोहित शर्मा का आप इंस्टाग्राम देख लो उनको एब्यूजिंग, ये यार देखो ये मैं वही कह रहा हूँ, मैं आज सुबह भी कह रहा था कल भी कहा है मैंने कि विराट कोहली को माफी मांगने या माफी बोल रहा हूँ, विराट कोहली को ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि ये उनको आकर ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे फैन, अरे वो उनके फैंस नहीं है भाई, वो अगर शुभमन गिल आउट हो जाते तो वो रोहित शर्मा की डीपी लगा के शुभमन गिल को गाली देते, वो आज किसी और की शकल लगाकर किसी और को गाली देंगे, और विराट कोहली ने मोहम्मद शमी के टाइम पे फॉर द सेक ऑफ इट उन्होंने आकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे और उनसे तब पूछा गया था ये सवाल, आज भी अगर वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और उनसे पूछा जाएगा इस चीज के बारे में तो कंडेम ही करेंगे भाई भैया, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग जो लोग ये कह रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये विराट कोहली के फैंस है, मैं ये भाई ये किसी के फैंस नहीं है भाई, वामिका के बारे में और उसका बारे में तब भी लिखते क्या, तब वो कौन है उनके बारे में, वो कौन है फिर, वो कौन है फिर, वो कौन लोग, वो कौन है फिर भाई, ये तो रेप थ्रेट्स देते हैं, ये तो इंडियन क्रिकेटर्स की बेटियों को छोटी छोटी, बिल्कुल ये रोहित वही कह रहे हैं, ये हर मैच के बाद डीपी चेंज करते हैं, और जो कल्प्रिट होता है कि भाई आज इसको घेरना है,
आज इसको फोड़ेंगे, आज इसके सोशल मीडिया पर। मैं बस इसीलिए उस दिन जब विराट और अब जो ये मोहित शर्मा को कह रहे हैं, क्या ये धोनी के फैंस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, आप मना कर दे रहे हो। लेकिन अगर यही विराट कोहली के अगेंस्ट हो जाए तो आप बोलोगे ये विराट के फैंस। मुझे बस विराट और अनुष्का का डिसीजन उस दिन इसीलिए अच्छा नहीं लगा, जो उन्होंने FIR वापस ले ली चेन्नई वाले मामले में, उसकी पढ़ाई रुकनी थी, बाहर जाना था, मुझे लगा कि नहीं लेना चाहिए था, सबक सिखाया जाना चाहिए था भाई उसको। भाई जब तक सबक नहीं सीखेंगे लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, नाबालिग था, कुछ भी था, आपको भाई अब नहीं वापस लेनी है। वही मैं कह रहा हूं कि भाई आज मोहित शर्मा के साथ वही हो रहा है। मैं देख रहा हूं मोहित शर्मा की प्रोफाइल में क्या हो रहा है, उनको देख लिया था। हां भाई, मैंने देख लिया था, भगवान की दया से इतना है कि वो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उन्हें फॉलो करता हूं इंस्टाग्राम पे, तो मैंने पोस्ट अपडेट आ गई थी भाई। मोहित शर्मा के देखो इतने बेकार फैंस है ये कि मोहित शर्मा ने इन्हें चैंपियन भी बनाया, इनकी तरह CSK से खेले भी है, इसमें तो माहिर है, इसमें तो माहिर है, इनके पास पर उस सीजन में निकले लोगों ने, नहीं इसमें तो माहिर है, मोहित शर्मा इनको फॉलो करते हैं भाई। चलिए देखते हैं MSD ने क्या कहा, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन MSD की यार अगर लेगेसी की बात करें यार, ये अपने आप में माइंड बॉगलिंग, मेरे को तो माइंड बॉगलिंग ही। हार्दिक ने क्या कहा, दिमाग आपको घुमा देने वाला, दो शब्द 14, अरे इंग्लिश में बोलिए आप, 10 फाइनल्स इन 14 सीजंस, इट्स इन हिंदी में सही तो बोल रहे थे, अंग्रेजी में क्यों आ गए भाई। नो अदर कैप्टन कैन अचीव दिस और सरपास इट, but 5 is greater than 4, let me tell you. No, this time it's going to be, if there is one thing I'll associate with the greatness, it will be consistency. It's going to be like this, it's going to be like this, it's going to be like this. Yeah, MSG ka jaadu, mahi magic, mahi, isliye mahi hamare ko diya.